नियो जो है वो थोड़ा और करीब आ जाएंगे टीम राइवलरी के। यहाँ पर जो फुटस्टेप के साउंड है वो जरूर से आए होंगे। क्या शॉट्स लेने को जाएंगे, ग्रेनेड जाएगा, कनेक्शन बनाना चाहिए था, लेकिन दोनों ही ग्रेनेड अभी उतना कुछ खास कनेक्शन बनाने में कामयाबी नहीं मिली है। नियो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल बॉस की अगर हम बात करें तो वो एक बढ़िया फ्लैंक एंगल पे हमें नजर आ रहे हैं। ये मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं टीम गॉडलाइक, क्योंकि फाइनल बॉस की जो पोजीशन है वो नहीं पता, लेकिन क्लच गॉड स्पॉट करेंगे, डाउन करेंगे टीम राइवलरी बैकफुट पर। फाइनल बॉस अगर वो यहाँ पे डाउन नहीं हुए होते तो मुझे लगता है कि गॉडलाइक के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट जिस तरीके से वहां पे ग्रेनेड का इस्तेमाल करा गया और आप देखे ग्रेनेड ज्यादा वहां पे कनेक्ट भी नहीं हुए, और अब बारी है राइवलरी की ग्रेनेड्स करने की। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि उन्होंने एमजे एंड बाकी सारे को किस तरीके से एलिमिनेट करा, दोनों साइड से एक एक प्लेयर खत्म होते हुए। नियो की बात करें डेल्टा पीजी के द्वारा वो भी डाउन किया जाए, चौनाथन आगे बढ़ेंगे, सोनिक को वहां पे डाउन किया गया, बाकी के प्लेयर नीचे आपको दिखाई देंगे। अक्षय की बात करें अकेले फंस गए, अक्षय को भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा, और इसी के साथ राइवलरी की स्क्वाड एलिमिनेट होती हुई। बट नियो को जरूर यहाँ पे गॉडलाइक के द्वारा खो दिया गया, बट जो स्क्वाड है वो भी हमें देखने को मिलेगी। जॉनाथन का एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्प्रे, बात करने की भी जरूरत नहीं, एक्यूरेसी और जो स्प्रे कंट्रोल है हाइप बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें पता है ये इसी तरीके से खेलते हैं, टैप टैप शॉट्स करेंगे। सांगवान को फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, बट इसी भी स्लेयर को भी वहां पे डैमेज दिया गया। चलिए सांगवान को तो बचाया नहीं जा सकता, बट क्या स्लेयर, वो भी यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा ओपन में है। एंड स्लेयर वहां पे कर क्या रहे, सांगवान को वो रिवाइव नहीं कर सकते थे क्योंकि सर्कल आ रहा है, बट खुद को तो एटलीस्ट वो बचा सकते थे, बट जॉनाथन को दो एक्स्ट्रा फिनिशेस जरूर देके गई है। ऑलरेडी पता है पोजीशनिंग यहां पर किल हुआ अकेले के, अगर हम बात करें स्काईलाइन गेमिंग की, वो एक भी फिनिश पॉइंट जो है वो प्ले जोन की तरफ नहीं जाने देना चाहते हैं। कमला बॉय यहाँ पर एक बढ़िया स्लैमिंग करने के जाएंगे, किलुआ क्या इस अपॉर्चुनिटी को बुला पाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा मुश्किल उनके लिए, जरूर से देने वाले स्पॉट खड़ा डाउन यहाँ पे दो प्लेयर्स को डाउन करने में जरूर से कामयाब देखने को मिलता है। ये आप देखें कि दोनों प्लेयर एक साइड से है, और क्या बेहतरीन ड्रॉप शॉट, उनको मनाना पड़ेगा रौनक को, उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आप पीछे साइड से आए। अगर तीनों एक साइड से आते तो पुकार को आप देखें कि वो कहाँ पे मौजूद हैं।